गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ना नवीन बनेला चेयरमैन वजीर खान पठान द्वारा समग्र राज्य में माइनॉरिटी ना संगठन ने मजबूत करवा गुजरात ना तमाम जिलाओं ना प्रवास बनासकांठा बाद पाटण खाते थी करवामां आव्यो छे। त्यारे पाटण जिला कांग्रेस कार्यालय खाते गतरोज माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ना प्रदेश प्रमुख वजीर खान पठान कार्यकारी चेयरमैन इम्तियाज अली कादरी नी अध्यक्षता में पाटण जिला ना माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ना कार्यकरों एक सम्मेलन योजायुं हतुं। आ सम्मेलन में गांधीनगर पूर्व डेप्यूटी मेयर यूसुफभाई परमार, पाटण धारासभ्य डॉक्टर किरीटभाई पटेल, जिला प्रमुख शंकरजी ठाकोर, प्रदेश ओबीसी महामंत्री रणजीतसिंह ठाकोर सहित आगेवानों की साथे साथे जिला माइनॉरिटी डिपार्टमेंट लोग आ कार्यक्रम में बहोळी संख्या में हाजर रहा था। त्यारे गुजरात प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट चेयरमैन वजीर खान पठान खुदाबख्श काजी द्वारा बुके, फुलहार और शाल ओढ़ाड़ी सन्मान करवामां आव्युं हतुं। त्यारे जिल्लाना प्रमुख शंकरजी ठाकोरे वजीर खान पठाननो फुलहार शाल ओढ़ाड़ा बाद दरगाहनो स्मृतिचिन्ह आपी तेवुं सन्मान करवामां आव्युं हतुं। तो माइनॉरिटी डिपार्टमेंटना कार्यकारी चेरमेन इम्तियाज अली कादरी ने भावेश गोठी और प्रहलादभाई सोलंकीए फुलहार शाल ओढ़ाड़ा बाद दरगाहनो स्मृतिचिन्ह भेट आपी तेवुं पण सन्मान करवामां आव्युं हतुं। आ प्रसंगे खुदाबख्श काजीए जणाव्युं हतुं के AIMIM जेवी पार्टीओ मुस्लिम वोटों में विभाजित करी कांग्रेसना उम्मीदवारों ने हरावाना प्रयत्नों करती होय छे, जेथी आवी पार्टीओनी वातों में मुस्लिम समाजे न आवी कांग्रेसना उम्मीदवारों ने जीताड़ी कांग्रेसना हाथने मजबूत करवा आह्वान कर्युं हतुं। अने भारतना बिन सांप्रदायिक देश में आवी पार्टीओ आवी मुस्लिम लोकोने गुमराह करती होय छे, जेथी मुस्लिम समाजे आवी पार्टीओने जाकारो आपी कांग्रेस साथे रहेवा अनुरोध कर्यो हतो। એ લોકો તરફે વળવાની કોશિશ કરીએ છે કે અલ્લાહ ઉપર અલ્લાહ ઉપર ઘડી કરીને તમને પાડે છે, આપણામાંથી કોંગ્રેસે બનવા વાળા પણ અલ્લાહ ઉપર કોણ નથી કરતી, કોણ નમાજ નથી પડતી, કોણ કુરાન શરીફ નથી પડતી, પણ બિન સાંપ્રદાયિક આપણો જે દેશ છે એ દેશના આપણે તમામ નાગરિકો છીએ। તો ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન વઝીર ખાન પઠાણે ઓવરસીની પાર્ટીને ભાજપની બી ટીમ ગણાવી મુસ્લિમ સમાજને તેનાથી ચેતવા અનુરોધ કર્યો હતો અને કોંગ્રેસે મુસ્લિમ સમાજની શરિયતને બચાવવાની સાથે સાથે દરેક દેશવાસીઓની જેમ મુસ્લિમ સમાજને પણ અધિકારો અને હકો આપવા હોવાનું જણાવ્યું હતું અને વધુમાં ઓબીસીની પાર્ટી સામે આકરા પ્રહારો કરી મુસ્લિમ સમાજે તેનાથી ચેતી કોંગ્રેસના હાથને મજબૂત કરી આગામી 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવારોને જંગી બહુમતીથી જીતાડવા આહ્વાન કર્યું હતું। बहुत सारी जगह घूमते हम लोग, मुसलमानों में काफी मामले उलझाए हुए हैं, कुछ ओबीसी के पार्टी के लोग मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को क्या दिया। मैं आज कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने मुसलमान की सज्जत को बचा कर रखा, कांग्रेस ने मुसलमानों को इस देश में बराबर का कानून दिया, मुसलमान के धर्म में किसी भी तरह की दखलगिरी नहीं करनी चाहिए, जो उनका फैसला था। और आज की भारतीय जनता पार्टी हर वक्त सुबह उठती है, जब ब्रश करने की जगह पर हमारी कौम को सबसे पहले गाली देती है। मुझे शर्म आती है उस मुसलमान पर जो कहने के मुसलमान है और भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू बने हुए हैं। मुझे शर्म आती है उस मुसलमान की पैदाइश पर कि जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का पट्टा अपनी कंधों पे लेकर फिरता है।